हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशन से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और आज की इस वीडियो में हम करेंगे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो वो जो सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे इसके अंदर रिलेशन, जो आपका चैप्टर रहता है, मतलब जो टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड। ओके, जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ के साथ उसका थ्योरी पार्ट। तो मैं यहाँ जो है आपको करवाऊंगा कि कैसे आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल स्मार्ट वर्क के थ्रू, या मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, जो है बिल्कुल ईजी वे से, कि हर क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी वे से आप कैसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। ये कहता है कि इफ़ एक सेट ए दिया हुआ है 2,3, एंड एक सेट बी दिया हुआ है और एक सेट सी दिया हुआ है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। तो सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी जो है वो निकाल लेता हूँ। बी है ये, सी है ये। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। दोनों में देख लीजिए क्या कॉमन है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब ये आएगा दोनों में कॉमन। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है दोनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या कर लेते हैं, ए है मेरे पास 2,3 और इसके क्रॉस प्रोडक्ट है 5। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था। क्या कीजिए, ए के इस सेट के हर एलिमेंट की इस सेट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए। एक आएगा 2,5 तो ये आएगा 2,5, और नेक्स्ट आ जाएगा 3,5 तो ये आ जाएगा 3,5। इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, और इसने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट तो वो आ जाएंगे 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन दिल्ली। एस जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो सारे के सारे पर्सन आ जाएंगे जो कहाँ रहते हैं, आपके दिल्ली के अंदर रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये कहता है कि वी से दैट एक्स एंड वाई इन एस आर रिलेटेड इफ दे आर बोर्न इन दिल्ली ऑन द सेम डे। ये कहता है कि एक्स और वाई रिलेटेड कब होंगे, जब एक्स और वाई दोनों का जो जन्म है वो एक ही दिन हुआ हो। मतलब अगर एक्स का जन्म मंडे को है तो वाई का भी मंडे को होना चाहिए, अगर एक्स का जन्म संडे को है तो वाई का जन्म भी संडे को होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और दूसरा वो दोनों के दोनों दिल्ली में होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये कहता है कि ये जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन इनमें से कौन सा जो है आपको करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब एक्स जो है वो एक्स से रिलेटेड हो, और एक्स एक्स से रिलेटेड कब होगा, जब एक्स का जन्म भी दिल्ली में हो और इस एक्स का जन्म भी दिल्ली में हो। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप, मैं मेरी बात करूं या आप अपने खुद की बात कर लीजिए, जब आप खुद को खुद के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे मेरा जन्म अगर मंडे को हुआ है तो मैं खुद का खुद के साथ कंपेयर करूंगा तो मंडे को ही मिलेगा। इसका मतलब वो ये होगा कि एक्स जो है एक्स से रिलेटेड होगा, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, सिमेट्रिक केस में ये होता है कि अगर एक्स वाई से रिलेटेड है देन क्या होना चाहिए, आपका वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई से रिलेटेड है इसका मतलब एक्स और वाई का दोनों का जो जन्म है वो सेम डे हुआ है। ओके, तो अपने आप हम कह सकते हैं कि वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि वाई और एक्स का जन्म भी क्या होगा, सेम डे ही तो होगा। इसने बोला ये गिवन है कि एक्स और वाई का जन्म जो है सेम डे है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई का सेम डे या वाई एक्स का सेम डे, बात तो एक ही है। ठीक है, इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी होगा, और सिमिलरली जब मैं ट्रांजिटिव चेक करूंगा तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और आपका ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि ए एंड बी आर टू सेट हैविंग 3 एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है,
इफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ए के जो एलिमेंट है वो है 5, बी के जो एलिमेंट है वो है मेरे पास 4, देन इसने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी जब भी पूछता है तो वो किसके इक्वल होता है, नंबर एलिमेंट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो आप कर दीजिए 5 × 4, दिस इज इक्वल टू 20, तो 20 जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये जो लाइन लिखी हो ना, फर्स्ट ए और बी हैव टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द रिलेशन एस डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, एक्स एक जो रिलेशन है उसको यहां एस से इसने डिनोट कर दिया। एक्स जो है वो रिलेटेड वाई से कब होगा, अगर एक्स डिवाइड्स इंटीजर वाई, अगर एक्स वाई को डिवाइड करे। ओके ठीक है, अब एक बात देखिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि एक्स एक्स को डिवाइड करना चाहिए, तो कोई भी नंबर ले लो अपने आप को हमेशा डिवाइड करता ही करता है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा, सिमेट्रिक में क्या है कि गिवन है कि एक्स जो है वो रिलेटेड है वाई से, मतलब ये कि वाई जो है वो एक्स से डिवाइड होता है, तो मैं इसका उल्टा कह सकता हूँ कि एक्स भी वाई से डिवाइड होगा। जी ऐसा नहीं होता, जैसे 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, ये गिवन है, लेकिन मैं इसका उल्टा नहीं कह सकता, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 2b 4 से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होता, इसका मतलब रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं, नॉट सिमेट्रिक रहेगा। तो एक बात देखिए, रिफ्लेक्सिव है नॉट सिमेट्रिक है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गया। इसने बोला कि एस इज ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट डी में देखिए, एस इज ओनली सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, तो आपका सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने ट्रांजिटिव चेक भी नहीं किया और मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। क्या कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ट्रांजिटिव निकालने में बैठ लग जाएंगे, और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये चेक करेंगे कि सिमेट्रिक किस किस के ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो उसको डिलीट कर दीजिए और बाकी जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई लेवल का एग्ज़ाम है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को देते हैं और वैकेंसीज कम होती हैं, सीटें कम होती हैं, तो एक एक मिनट या एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ग्रेजुएट इन इंडिया। एक्स जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, ग्रेजुएट्स आ जाते हैं, जो किसके हो, इंडिया के अंदर ग्रेजुएट हो। एलिमेंट एक्स एंड वाई इन एक्स आर सेट टू बी रिलेटेड इफ दे आर ग्रेजुएट ऑन द सेम यूनिवर्सिटी। X और Y दोनों रिलेटेड कब होंगे, जब दोनों का सेम यूनिवर्सिटी से क्या हो ग्रेजुएट हो। देखो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनेंगे, सेम का सेम, सेम डे दोनों का जन्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम डे, सेम यूनिवर्सिटी, सेम सिटी, ठीक है, इस टाइप का, या सेम डेट कह सकता हूँ, इस टाइप का जब जो भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आप आराम से इसका जो है क्वेश्चन डायरेक्ट देख सकते हैं कि वो क्या रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस। अब एक बात देखिए, सिंपल सा है, एक्स एक्स से रिलेटेड अपने आप ही होगा। जैसे मैं हूँ, मैं अगर KUK यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ तो मैं आपको खुद के साथ कंपेयर करूँगा, तो KUK से ही ग्रेजुएट होऊंगा, ठीक है। और अगर जैसे X और Y दोनों रिलेटेड है, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो मैं एक्स वाई बोलूँ या वाई एक्स बोलूँ, दोनों के बाद तो मीनिंग वही रहेगा, क्योंकि वाई एक्स भी क्या रहेगा, सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रहेगा। सिमिलरली इसे ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए वो आपका हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि इफ वी हैव ए फाइंड डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन का मतलब ये है कार्टिजन प्रोडक्ट किसकी, एन क्रॉस एन की, एज कि एक ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ जो है ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है, पिछले जो भी क्वेश्चन किए तो उसमें एक एलिमेंट था कि एक्स वाई से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ जो है ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेटेड है सी कोमा डी से, कब रहेगा, जब ए प्लस डी मतलब फर्स्ट और लास्ट का सम किसके इक्वल आ जाए, बी प्लस सी इन दोनों के बीच के इक्वल आ जाए, ठीक है।
तो अब आपको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको चेक करना है। तो बड़ा ही इजी है, क्या कीजिए सबसे पहले कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए कोमा बी रिलेटेड हो जाए, ए कोमा बी से मतलब खुद से रिलेटेड हो जाए। एक बात देखिए, फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। आप देख लीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए लिख लें, ए प्लस बी दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। ठीक है, सिमेट्रिक में चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए कोमा बी रिलेटेड है सी कोमा डी से, देन सी कोमा डी भी रिलेटेड होना चाहिए ए कोमा बी से। बड़ा इजी है, देखिए ए कोमा मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एंड सी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। दोनों को देखो, इस रिलेशन से मेरे पास ये जो रिलेशन था उससे मेरे पास ये रिजल्ट आया, सिमिलरली इस रिलेशन से भी मेरे पास ये रिजल्ट आया। दोनों रिलेशन देख लीजिए सेम है, बस यहाँ जो ये यहाँ जो वो राइट साइड में है वो इधर लेफ्ट में है, और ये तो एक ही बात है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये रिलेशन रहेगा आपका सिमेट्रिक। और सिमिलरली जब आप ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी रहने वाला है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब ये जो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि लेट ए बी, एक ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताना है बी टू ए। तो बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ए के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ रिलेशन अगर हम बात करें, चाहे वो ए टू बी हो चाहे बी टू ए हो, तो वो रहेंगे 2 की पावर m इंटू n, m इंटू एन। ओके, 2 की पावर m इंटू n। यहाँ a में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, यहाँ b में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, दोनों के प्रोडक्ट कर दो क्या आएगा, 12। तो 2 की पावर 12 जो रहेगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन रहेगा, और वो सारे के सारे डिस्टिंग होंगे, और 2 की पावर 12 इज इक्वल टू होता है 4096। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए इज ए फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स, एक सेट ए है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ रिलेशन विच कैन बी डिफाइंड इन ए। तो आपको सेम क्वेश्चन बन गया, अब जो रिलेशन है आर है वो ए टू ए ही होगा। ठीक है, मतलब अब सेट ए भी, इसके अंदर भी एन एलिमेंट है और इसके अंदर भी एलिमेंट, मैंने अभी बताया था 2 की पावर m इंटू n, और m की वैल्यू भी n है और n की जगह n ही आएगा, तो 2 की पावर ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। तो बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपने एक भी चीज़ नोट की होगी कि मैं जो है थोड़ा सा साइड में ऐसे देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं ये तो फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, साथ के साथ लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं साइड में देखता हूँ इसका मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन मेरे थोड़ा सा साइड में है इसलिए थोड़ा सा लगता है। ठीक है, और हाँ ये पता है मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हंसी आ रही है बताने में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे को कमेंट पता है क्या करते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं तो देख के पढ़ाते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि मैं जो है साइड में इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ या ऐसा वैसा। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ के साथ, अब मैं फोन के कैमरे में देखूंगा तो मैं स्क्रीन पे कैसे देख पाऊंगा लैपटॉप की, तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में देख रहा हूँ। तो इस बात का जो आप जो है डाउट में मत रखना कि क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट ए, एक अपने को ए जो है सेट दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, ए के अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं इसने। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो आप ए में कितने एलिमेंट थे, 4, बी में कितने एलिमेंट थे, 3, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या आ गया 12। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर इज गिवन बाय। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ये कि
ए जो है वो रिलेटेड बी से कब होगा? जब ए माइनस बी डिवाइड हो जाए किससे? 5 से डिवाइड हो जाए। तो आपको ये चेक करने के रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है? तो सिंपल है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए माइनस ए अगर डिवाइड हो जाए 5 से, तो इसका मतलब ए जो है वो रिलेटेड हो जाएगा ए से। अब ए माइनस ए आएगा क्या? 0 × 5। अब एक बात देखिए, 0 जो होता है वो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड कर दो आंसर हमेशा 0 आएगा। या 0 को मैं 0 × 5 लिख सकता हूँ, 0 × 10 लिख सकता हूँ, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है? इसका मतलब ए जो है ए से रिलेटेड होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है? जो रिलेशन बन गया वो रिफ्लेक्सिव बन गया। उसके बाद सिमेट्रिक में क्या होता है कि सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए माइनस बी 5 से डिवाइड होता है, देन बी माइनस ए भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, वरना नहीं। एक बात देखिए, ए माइनस बी 5 से डिवाइड होता है, ये गिवन है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद ये बी प्लस का बन जाएगा और ए जो है माइनस का, और बाहर आ जाएगा माइनस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर नेगेटिव में आएगा, लेकिन डिवाइड तो हो जाएगा 5 से, तो बी माइनस ए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, ठीक है? सिमिलरली जब आप ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ए माइनस बी 5 से डिवाइड होता है, बी माइनस सी भी 5 से डिवाइड होता है, देन आपको प्रूव करना है कि ए माइनस सी भी 5 से डिवाइड होगा। सिंपल है, इन दोनों को आप ऐड करके देखो, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो ए माइनस सी आएगा और ए माइनस सी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब रिलेशन आपका क्या रहेगा? ट्रांजिटिव रहेगा। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो रिलेशन बन गया आपका इक्विवेलेंस, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका आ गया रिफ्लेक्सिव वाला। ये कहता है कि द रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ हैज़ द सेम फादर एज। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ देखो मैंने यहाँ ये ऊपर लगी हुई है इसके, तो कोमास वगैरह से ये ब्रैकेट से लगी हुई है। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसमें इस टाइप से लिखा ना, हैज़ द सेम फादर एज। तो इसके आगे आप लिखो ए और इसके आगे लास्ट में लिख दो आप बी। अब इसको पढ़ो, ए हैज़ द सेम फादर एज बी, मतलब ए और बी का जो फादर है वो क्या है? आपके सेम है, ठीक है? ए और बी के दोनों के जो फादर हैं वो क्या है? सेम है, सेम है, ठीक है? तो सेम फादर हैं, ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ। तो अब ये बताइए कि जो रिलेशन रहेगा वो आपका क्या रहेगा? मैंने अभी बताया था कि जब भी सेम डे, सेम फादर, या सेम डेट को जन्म होता है, या सेम इस टाइप का जो जो भी रिलेशन आता है वो हमेशा क्या रहता है? आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सेट ए एंड बी हैव एन एलिमेंट्स इन कॉमन, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन विल बी ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव इन कॉमन। तो देखिए, जब मैंने रिलेशन की प्रॉपर्टीज करवाई थी, रिलेशन की जो रिजल्ट्स करवाए थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करवाए थे, जिसके अंदर कार्टिजन प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, और उन रिजल्ट्स में सबसे लास्ट का जो रिजल्ट था वो ये रिजल्ट था। अगर आपने जो वीडियो ध्यान से देखी है तो उनको ये रिजल्ट आपको ध्यान में होगा, उन स्टूडेंट्स को ये रिजल्ट पता होगा, ठीक है? तो रिजल्ट ये था कि अगर ए और बी के अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन है, देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के अंदर एन स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर टू नो सॉरी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तीन जो है आपको नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, सच दैट ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 आपको गिवन है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी रहेगा। देन व्हाट इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी? इसने बोला कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी क्या होगा? देखिए प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर आएगा क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ओके, अब ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपको दिया हुआ है 5, क्रॉस ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन बी कुछ भी आए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी सेट की अगर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वो भी आपका एम्प्टी ही आता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिजल्ट और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा।
और हाँ, यहाँ जो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये प्रॉपर्टी मैंने वीडियोस में बताई हुई है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी यूज़ किया ना, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये प्रॉपर्टी मैंने जो थ्योरी पार्ट करवाया था उसके अंदर साफ साफ बताया हुआ है एक एक प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ़ ए इज़ द रिलेशन ऑन सेट आर। अब देखिए, ए जो है वो एक रिलेशन है, ठीक है, और किसके ऊपर, ऑन सेट आर के ऊपर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आर इज़ द सबसेट ऑफ ए, ऐसा नहीं होता। ए इज़ द सबसेट ऑफ आर, ऐसा भी नहीं होता। ए इज़ द सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। मैंने रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी, रिलेशन की डेफिनेशन ये होती है कि एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए टू, आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, देन आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए और बी की कार्टिजन प्रोडक्ट का। अब यहाँ ए रिलेशन है फ्रॉम आर, आर टू आर, मतलब ए जो रिलेशन है वो क्या है, आर टू आर है, तो इसका मतलब ए जो होगा वो सबसेट होगा आर क्रॉस आर का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन आई हुई थी रिलेशन की, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है मतलब रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि अब तक मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए और 15 में से कोई दो तीन क्वेश्चन ऐसे अलग थे, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड थे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में 100% रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और दूसरी बात, दो क्वेश्चन एग्जाम में रिलेशन से आते हैं और वो आएंगे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक से रिलेटेड। तो इनको आप रट लीजिए, एकदम बेहतरीन कर लीजिए इसमें, और कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि अगर आपको ये रहता है कि ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे सेंड कीजिए और उस क्वेश्चन को मैं आपको, आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और ये एक वीडियो के थ्रू जो है सभी को वो क्वेश्चन जो है मैं करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कहता है कि एक रिलेशन है पी एंड ए रिलेशन ऑन द सेट, सॉरी एक सेट है पी ऑन ए रिलेशन ऑन ए सेट पी इज गिवन बाय द सेट दिस। आर जो है आपको गिवन है, ये रिलेशन दिया इसने गिवन ही है आपको, कुछ भी अब चेक करना है ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव, मैंने आपको ये क्वेश्चन लास्ट भी थ्योरी में बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। देखिए, एक सेट पी पे रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इसमें क्या है, वन है, वन अगर पी को बिलोंग करता है, द वन कोमा वन जो है वो आर में होना चाहिए। टू अगर पी को बिलोंग करता है, देन टू कोमा टू जो है वो आर में होना चाहिए, और थ्री कोमा थ्री भी आर में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्सिव। तो देख लेते हैं, वन कोमा वन है क्या, वन कोमा वन है, टू कोमा टू है, थ्री कोमा थ्री है, तीनों है, इसका मतलब रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव वाले ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए आप। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर बी में इसने नॉट रिफ्लेक्सिव बोला तो एक ऑप्शन तो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर है, देन बी कोमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये है वन कोमा टू, वन कोमा टू जो है वो आर में है, देखते हैं टू कोमा वन है क्या, टू कोमा वन भी आर में है, ठीक है, आपको हर एलिमेंट चेक करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वन कोमा थ्री पे, वन कोमा थ्री जो है वो आर को बिलोंग करते हैं, देखते हैं क्या थ्री कोमा वन आर के अंदर है, लेकिन इसमें तो थ्री कोमा वन है ही नहीं, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक आपका नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो देख लेते हैं सिमेट्रिक है कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन में देता है सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, देन ए और सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तो उस रिलेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, ट्रांजिटिव। तो कोई भी एलिमेंट देखते हैं, वन कोमा टू, वन टू से रिलेटेड है और आगे टू वन से रिलेटेड है, देन वन वन से भी होना चाहिए, वन वन भी है, कोई भी एलिमेंट उठा लो, टू थ्री उठा लेते हैं, टू थ्री से रिलेटेड है और थ्री थ्री से रिलेटेड है, देन टू थ्री भी होना चाहिए, टू थ्री इसके अंदर है, तो कोई भी एलिमेंट उठा लो ये जो रिलेशन रहेगा वो ट्रांजिटिव रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक सेट ए है आपको दिया हुआ, एक सेट बी है आपको दिया हुआ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए।
बड़ा ही शॉर्ट वे है इसका। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले जहाँ यहाँ भी एक क्रॉस बी है और यहाँ बी क्रॉस सी है, मतलब सेट तो दोनों को वही यूज़ हो रहा है और पूछा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बड़ा ही सिंपल है। आप क्या कीजिए, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन चीज़ दिख दीजिए। इसमें वन है और इसमें भी वन है, और इसमें टू है इसमें भी टू है, तो इसका मतलब 1, 2 जो है वो इनका इंटरसेक्शन आएगा। अब क्या कीजिए, 1, 2 का कार्टिजन प्रोडक्ट कर दीजिए 1, 2 से, मतलब 1 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बना दीजिए, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ, सिमिलरली 2 का 1 के साथ और 2 2 के साथ। अब ये जो रिजल्ट आया वो आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो आप देख लीजिए कौन से सेट के अंदर ये है, 1 1 1 2 2 1 2 2, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एक्स वाई रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ दिस। ये कहता है कि एक्स और वाई दोनों रिलेटेड कब होंगे, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब 3x + 4y = 5 आना चाहिए। अगर 3x + 4y = 5 आता है, देन वो जो रिलेशन होगा, जो देन एक्स और वाई दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। ये कहता है कि 0 is related to 1, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से। देख लेते हैं 0 1 से रिलेटेड है या नहीं। 0 1 से रिलेटेड कब होगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए और वाई की जगह 1, तो ये आएगा 3 × 0 + 4 × 1, तो ये आया 3 हो गया था 4, 4 = 5 नहीं होता, इसका मतलब ये तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो आगे वाली स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जिस ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको आप डिलीट ही कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में भी है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेकेंड ऑप्शन में भी 1 आ गया तो इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डी ऑप्शन में भी 1 आ गया इसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो बच्चा क्या ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखिए मैंने ना तो सेकंड चेक किया ना ही थर्ड चेक किया और मेरा आंसर भी आ गया, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का भी जो है आप ध्यान में रखें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एम बी द सेट ऑफ मेन एंड आर इज द रिलेशन इज सन ऑफ, मैंने बोला था इस टाइप से लिखा है इज सन ऑफ, तो आप यहाँ ए लिख दीजिए और यहाँ बी लिख दिए। अगर ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है वो सन है बी का, देन ये कहता है कि डिफाइन द रिलेशन, ये जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए ए का ही सन हो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या खुद कोई खुद का सन बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस तो किसी भी हालात में नहीं हो सकता, तो ये तो डिलीट हो गया। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा कि अगर ए सन है बी का, देन बी ए का सन होना चाहिए, कैसा पॉसिबल है। अगर ए बी का बेटा है तो कह सकता हूँ कि बी भी ए का बेटा होगा, नहीं जी ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ये कहता है कि ए सन है बी का और बी सन है सी का, देन क्या कह सकता हूँ कि ए सन होगा सी का, जी नहीं कह सकते, ये तो ग्रैंड सन हो गया, मतलब पोता बन जाएगा हिसाब से, तो इसका बेटा तो नहीं हुआ ना। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज इसका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि आर एक लेट कर लेते हैं, आर एक रिलेशन है, एक्स बिलोंग करता है एन को और एक्स के जो है मल्टीपल ऑफ 3 है और एक्स की जो वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 100 है। इसका मतलब आर के अंदर क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, 3 × 6 × 9 × 12 up to so on कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 100 तक आएगा, तो मतलब 99 तक, क्योंकि 99 जो है 3 का मल्टीपल होता है और 100 से छोटा होता है। नेक्स्ट एक सेट एस दिया, उसके अंदर मल्टीपल ऑफ 5 है और सारे के सारे नेचुरल नंबर है और वो भी लेस देन इक्वल टू 100 है, तो 5 के भी मल्टीपल लिख लेता हूँ, मतलब 5 का टेबल लिख दीजिए और लास्ट में इसके अंदर 100 भी आएगा, क्योंकि 100 5 का मल्टीपल होता है और एक्स की वैल्यू इक्वल भी है 100 के, तो ये आ जाएगा। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्रॉस एस एंड एस क्रॉस आर। मैंने अभी बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, और यहाँ ए और बी की जगह क्या है आर और एस, तो सबसे पहला काम आर और एस का इंटरसेक्शन निकालना।
अब देखिए, ये 3 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है, और 3 और 5 के मल्टीपल में कॉमन चीज़ क्या लेती है, क्या रहती है आपकी कॉमन चीज़? 3 और 5 का ले लीजिए आप एलसीएम और होता है 15। इसका मतलब कि आर के अंदर और एस के अंदर जो 15 के मल्टीपल है वो दोनों में कॉमन रहेंगे। तो 15 की टेबल लिख लीजिए, 15 हो जाएगा 30 हो जाएगा, 45 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 90। और नेक्स्ट नहीं आ सकता क्योंकि वो 100 से बड़ा हो जाएगा, और 100 से बड़ा इन दोनों में कोई चीज़ है ही नहीं। ओके, इसने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट आएंगे। तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा 36। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बड़ा ही इजी है। जो भी आए, अगर 7 आता तो मैं 7 का स्क्वायर कर लेता, या 6 आया 6 का स्क्वायर कर लो, 3 आते हैं 3 का स्क्वायर कर लेते, तो वो अपना आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द रिलेशन आर, एक रिलेशन दिया हुआ है ऑन द सेट ऑफ ए, एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3 इज, आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन होगा। बड़ा ही इजी है। सबसे पहले देख लेते हैं ए, इसमें रिफ्लेक्सिव होगा जब 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो। 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। तो नाइदर नोट रिफ्लेक्सिव वाला कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, इसका मतलब चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर 1, 2 से रिलेटेड है देन 2, 1 भी उसमें होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है, इसका मतलब नोट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक रहे। नेक्स्ट देखिए, इसने बोला रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, देखिए रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया। इसमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो मेरे को जो आंसर था वो मेरे को मिल गया, तो वो हो गया आपका करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ 20 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवाए हैं, और जो नेक्स्ट बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो टोटल जो है हम क्वेश्चन करेंगे वो 2019 तक के क्वेश्चन करेंगे। ओके, जो एनडीए फर्स्ट 2019 तक के, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इस हम टोटल क्वेश्चन करेंगे 2019 तक के। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और दूसरा आप मेरे को व्हाट्सअप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सारे ग्रुप मत ज्वाइन करना, कोई भी एक ग्रुप, ठीक है। फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ के लिए जो आप है हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और कोर्स की जो फीस है वो एज यू विश पे कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कितने भी पे कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है फ्री में, वैसे तो फ्री में ही जो है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। स्टूडेंट जो है अपनी मर्जी से, किसी के पास 10 होते हैं, किसी के पास 20 होते हैं, और किसी के पास 100 होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 500 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है वो सभी को एकदम बराबर लेके चलता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से जितना चाहे पे कर सकते हैं, कोई जो है आपको रोक टोक नहीं है, और कोई भी प्रेशर भी नहीं कि आपको करना पड़ेगा। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, बिना आप पे के भी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, तीनों का जो नंबर है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेरे बगल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो इस नंबर पर, ठीक है। तो वीडियो देखने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आप मेरे को अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ जो है मेरा इंडिया का कोर्स देखने को मिल जाएगा। ओके, तब आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर लेंगे तो आप फीस कुछ भी पे ना करें, ठीक है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल।